हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मीडिया न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर एंड गेम शज़ाम एक्वामैन 2 और उससे रिलेटिव काफी सारे अपडेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो। तो सबसे पहले कमाल का अपडेट है डीसी की अपकमिंग एक्वामैन 2 के बारे में। तो फाइनली इसके राइटर रिटर्न हो चुके हैं और इस मूवी की स्क्रिप्ट पे काम जल्दी से जल्दी स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद सोनी की अपकमिंग मूवी मॉर्बियस का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और ऑफिशियल वीडियो इनके इंस्टाग्राम पे अपलोड है, तो आप जाके चेक कर सकते हो उन्होंने क्या बताया इस मूवी के बारे में, और जल्दी ये प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। फाइनली फॉक्स की एक और अपकमिंग मूवी डार्क फोनिस का सेकंड ट्रेलर आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा 28 फरवरी को। तो पॉसिबिलिटी 28 को जैसी टाइम आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। उसके बाद शज़ाम की अपकमिंग मूवी में कोई भी ब्लैक एडम का पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। तो देखते हैं इन फ्यूचर क्या पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाला है। कैप्टन मार्वल मूवी की फाइनली रनिंग टाइमिंग है 2 घंटे 4 मिनट की PG-13 कैटेगरी। उसके बाद इस मूवी को साइंस फिक्शन और वॉलेंस बताया गया, यानी कि काफी धमाकेदार और गाली गलौज। उसके बाद एक और कमाल का अपडेट, कैप्टन मार्वल मूवी के 2 सूट रिवील्ड हुए टॉय में, जिसमें कि उनका एक हेलमेट और प्लस बाल भी दिखाए गए हैं। तो फाइनली इसमें हेयर कटिंग जरूर होगी इस मूवी में। देन उसके बाद शज़ाम में आपको टोटली 2 घंटे से ज्यादा की मूवी देखने को मिलेगी, जो कि इसकी पॉसिबिलिटी रनिंग टाइमिंग है। अब एक्चुअल में टाइम रिवील्ड नहीं हुआ है। देन उसके बाद एवेंजर एंड गेम के रोनिन के, वॉर मशीन के, कैप्टन मार्वल के, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के ऑफिशियली टॉय रिलीज हुए हैं, जिसमें कि क्वांटम रियम सूट दिखाया गया है। बट नोटिस करने वाली चीज ये है कि कैप्टन मार्वल पर क्वांटम रियम का सूट नहीं है, तो यानी कि वो स्पेस वगैरह में हर चीज में सर्वाइव कर सकती है और टाइम ट्रेवलिंग तो उसके खून में है। तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है इन टॉय के साथ साथ। पता चलता है कि एवेंजर एंड गेम में कितने ज्यादा सरप्राइजेस हैं। देन उसके बाद शज़ाम के ऑफिशियल प्रोड्यूसर ने कंफर्म कर दिया है कि हमारे सुपरमैन इस मूवी में देखने वाले हैं। अब कैरेक्टर कौन होगा अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है। उसके बाद नया अपडेट काफी कमाल का, तो फाइनली हावर्ड द डक, किंग मंकी, देन उसके बाद मोडो के ऊपर ऑफिशियली एक एनिमेशन टीवी सीरीज बन रही है, जो कि हमें इन फ्यूचर दिखने वाली है। और मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ हावर्ड द डक के लिए, क्योंकि ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, मैंने इसकी पर्सनल मूवी भी देखी है। तो ये है गाइस आज के वो कमाल के अपडेट। तो कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देखते हो तो मेरे सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको जो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पे आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।